मेरा फेवरेट भजन ये काम तुम करते हो कन्हैया ना मेरा होना, मेरे जन्मदिन पे वो सूजी का हलवा बनना ही बनना है। तब हम क्रिटिसाइज करते हैं घर का खाना नहीं खाना बाहर का खाना है, तो स्पाइसेस जो है ऐसे नहीं उग गए ओवरनाइट, खाने का रिश्ता दिल से है। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है amarujala.com पर हमारे इस खास शो में जिसका नाम है शुक्ल पक्ष द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। आज हमारे साथ हैं दुनिया भर में मशहूर शेफ विकास खन्ना। विकास खन्ना मास्टर शेफ इंडिया का 7वां सीजन लेकर के आ रहे हैं और ये हमें बताएंगे काफी कुछ चीजें इस शो के बारे में, अपने बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में, अपनी किताबों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। ये गुफ्तगु बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी शो के आने से पहले, व्हेन आई कम बैक टू इंडिया। अब मुझे पता है कि शो आ रहा है तो इस शो की कहानी मुझे हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचानी है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर अस। थैंक यू। यू आर द लिंक। बात अपने दिल से शुरू की है, खाने का जो एक कनेक्शन है, किसी के दिल को जीतना हो तो उसको अच्छा खाना खिलाएं, ये कहावत बहुत पुरानी है। आपने जब दिल जीता होगा अपनी दादी का पहली बार, मुझे ये पता चला कि आपने चाय बनाकर पिलाई थी दादी को सबसे पहले, तो फूड का जो सोल से कनेक्शन है वो तो कितना इम्पोर्टेंट है। पता है जो आपके बड़े होते हैं ना, उनको पता है कि आपको हराना नहीं चाहते वो, तो अगर नहीं भी चाय अच्छी तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी चाय ज़िंदगी में नहीं पी। अब आपको पता नहीं है कि आप अगर दूध पहले ही डाल दो तो वो उबल जाएगी और चाय कड़ेगी नहीं। वो मैंने सीखा था उस टाइम पे पीने के बाद कि मेरी चाय बीजी जैसे क्यों नहीं बनती। बट आई डू फील कि खाने का कनेक्शन दिल के साथ बहुत गहरा है। ये वो कनेक्शन है जो हमें अपने बचपन तक एक ले जाता है, एक उस मोमेंट तक जब पेरेंट्स भी होते हैं साथ में, सिबलिंग्स भी तंदुरुस्त होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अभी इतनी रिश्तों में दरारें नहीं होती, अभी इतना डर नहीं होता लाइफ का कल क्या होगा, और पेरेंट्स के होते छत्र छाया होती है जो खाना आपको याद दिलाता है। सो आई फील कि आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि खाने का रिश्ता दिल से है, एक याद से है, एक सेफ्टी के साथ है। पूछा कि आप मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बराक ओबामा से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी तक के लिए कुक कर चुके हैं, लेकिन जो खाना एक आम इंसान खाता है, जिसके लिए एक खाना होता है कि आप प्लेविशनेस के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, एक होता है जो भूख के लिए खाते हैं, दोनों का बैलेंस बना के रखना कि आदमी खाए उसकी आत्मा भी तृप्त हो और पेट भी तृप्त हो, वो कितना चैलेंजिंग होता है। है चैलेंजिंग बहुत सारा। एक मैंने नोट किया एक बात को कि जब हम सर्व करते हैं खाना जो बहुत फैंसीफाइड है, मिशलिन स्टार 10 courses, उनको बहुत कम खाना चाहिए। तब आपको वो एक बाइट में सारे फ्लेवर्स निकालने हैं। पर जब आप सर्व कर रहे हैं इन योर मिड लेवल रेस्टोरेंट्स, तब आपको चाहिए खाना जो थोड़ा वॉल्यूम में हो और थोड़ा प्राइस सेंसिटिव हो। सो आई बिकॉज आई डील विद ऑल द सेगमेंट्स इन अमेरिका, सो मुझे पता है कि उनमें डिफरेंस है। आपने सही गेस किया, बट जो रू है वो दोनों की सेम है। बट ना आई विल नेवर बी एबल टू कनेक्ट विद फूड। मुझे लगता है कि आपको अगर आपको एक खाने की भावना को पकड़ना, और कहना बहुत आसान है ये, क्योंकि आजकल वो जमाना हो गया सब कुछ ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ कहते हैं फ्यूजन, सब कुछ, बट उसमें भी आपको एक अपनी वो भावना को कायम रखना है, पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है। वरना क्या होता है कि आपका खाना लोगों ने खाया और चंद लम्हों के बाद भूल गए अगर उनकी रूह को टच नहीं करता। यही चीज आप देखना चाहते हैं मास्टर शेफ के जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके खाने में? मैं शुरू से वही करता आ रहा हूँ, आज तकरीबन 13 साल हो रहे हैं मेरे को शो करते हुए, एंड आई डू फील कि मैंने वही अपना लिंक रखा है कि मैं मानता हूँ मॉडर्न करो, यू नो आप बच्चों को नहीं रोक सकते, उनको एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोक सकते, करने भी चाहिए, करने भी चाहिए, बट आपको उनको मेरा जो होता है कि करो एक्सपेरिमेंट बट बी क्लासिकली ट्रेन्ड। लता जी मॉडर्न गाना गाते थे ठीक लगता था, लेकिन बेस क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब होता है फंडामेंटल्स, एक नी। आपने वो नहीं सीखी कि आपको प्याज कैसे भुनना है, कितने तरीके से आप प्याज भुन सकते हैं, वो क्यों किस टाइम पे क्या भुनते हैं, आपको वो ही नहीं पता। आपने कभी कभी मैंने खाया हुआ ऐसा कि बिकॉज यू नेवर लर्न द फंडामेंटल्स। पूरी आंच पे आपने प्याज भून दिया उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, धीमी आंच पे पकाना है आपको, पता वो टेस्ट अलग होगा। वो हो सकता है कोई और डिश में काम आता हो, कोई और कंट्री में काम आता हो, बिकॉज कुकिंग स्टाइल्स बहुत है वर्ल्ड में। सो मैं यही कहता हूँ कि उसको पहले फंडामेंटल स्ट्रांग करो। एक जो बंदा टेक्निकली स्ट्रांग है, एनाटॉमी को जानता है, सब कुछ जानता है, वो मॉडर्न आर्ट बनाएगा ना उसमें ताकत अलग होगी। दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन फाइटिंग एंड टेलिंग माय होम कुक्स जो आते हैं कि प्लीज बस ये बात मत भूलना। अभी मैं देख रहा था अभी हमारा शो जो हम बात कर रहे से पहले आप थोड़ी शूटिंग कर रहे थे और आपको ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ खाने का दिया गया था टेस्ट। आपने पहला जो उसमें एक्शन किया वो था उसको स्मेल करना। फूड में
स्मेल की कितनी अहमियत है? हमारे सेंसेस जो है नाक के बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत लोग इन सेंसेस को इतना यूज नहीं करते खाने में. और ऑफ कोर्स सम पीपल फील इट्स रूड कि आप किसी घर पे गए हैं खाना स्मेल कर रहे हैं. बट एक बात होती है कि खाने के साथ ना आपका दिमाग एक इवोक करता है मेमोरी को. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. पहली चीज अगर आप देख रहे थे मेरे को, वो टिक्की थी, उसमें चुकंदर था. मैंने स्मेल करते जब आप आलू को आपने फ्राई किया होता है तेल में, तो देयर इज अ डिफरेंट टेस्ट स्मेल आती है. एंड दैट इज वेरी कंफर्टिंग बिकॉज सबके घर में आलू फ्राई हुए किसी तरह से, सबसे सस्ते भी हैं और सबसे कंफर्टिंग भी है, इजीली अवेलेबल भी है, इजीली अवेलेबल पूरी दुनिया में किसी भी फॉर्म में ले लें. आपने स्मेल किया आपको, देन 80% ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व. इसमें तेल है, आलू को बैलेंस करने के लिए नमक होगा और नमक, अब तेल कौन सा यूज किया वो भी स्मेल, एवरीथिंग आई कैन मोस्टली आई कैन टेल. और जिस टाइम मैंने पहली बाइट ली तो ऐसा चुकंदर भी है, इसमें जीरे का पाउडर भी थोड़ा यूज किया और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ. सो आई थिंक स्मेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल माइंड के लिए. और किसी भी शेफ को बनने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं घर में अपनी माँ को बनाते हुए, अपनी पत्नी को या बहनों को खाना बनाते हुए, घर हम जैसे ही खोलते हैं घर में जैसी स्मेल आती किसी अच्छे खाने की, तो आपकी दिन भर की थकान उतर जाती है स्मेल को लेकर. अगर हम बचपन से आया 30-40 साल पहले, मुझे याद है चूल्हे पर जब हमारी माँ खाना बनाती थी और बटोरी रख करके उसके ऊपर पानी का भरा कटोरा भर के ताकि प्रेशर बने दाल में पके, उसको अदहन कहते थे पानी को, उसकी जो महक है वो हमें आज तक याद है. माँ के खाने की महक कभी आदमी भूलता नहीं जीवन में, वो हमेशा याद रहती है, कहीं भी जाता है दुनिया भर में उसको ढूंढता रहता है. आपने अपनी बीजी से खाना बनाना सीखा बचपन जी पंकज, उनके खाने की महक आप कितना कैरी करते हैं अपने साथ दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप जाते हैं कि वैसी कुछ महक में ला पाऊँ? बहुत इमोशनल क्वेश्चन है. आपकी लाइफ की मेन इमोशंस आर बिल्ड अप इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, उसके बाद वही इमोशंस का डिफरेंट फॉर्म आप यूज करते हैं. लाइफ में डिसीजन लेते हैं, बिजनेस करते हैं, फेल होते हैं, वो 10 साल की जो आपकी फाउंडेशन है जैसे खाने की है. तो क्या होता था कि अभी मुझे पता है कि मैं घर पर नहीं रहता, यू नो, मैं आई मूव्ड आउट ऑफ हाउस व्हेन आई वाज 17. 17 साल से पूरी उम्र काम करो पूरी दुनिया में, मेरे जन्मदिन पे वो सूजी का हलवा बनना ही बनना है. क्या बात, आज भी? आज भी वो आप नहीं, उनको नहीं फर्क पड़ता, और जन्मदिन आपका था तो आपको पता है कि दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है और पर आपका सूरज जो है ना, जो ग्रेविटी है जहाँ से आज वो वहाँ पे कायम है. सो आई फील खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम अंडर प्ले करते हैं खाने को जब तक हमसे वो ले नहीं जाता. सो ऑल द पीपल हु लिव्ड अब्रॉड या घर छोड़ के गए कहीं और काम किए, जब उनसे सबसे पहली चीज़ ली जाती है वो होती है वो खाने की महक. नहीं तब हम क्रिटिसाइज करते हैं, घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना है, सब बच्चे नहीं, मुझे नहीं खाना यहाँ घर में आज. और बीजी बना कर कहते हैं ठीक है बोल दिया करो ना कि नहीं बनाना, पहले बता दो बाहर खा के आना है, मैंने इतनी मेहनत की, राइट? अब वो रोते हैं हम लोग कि नहीं यार एक निवाला और खिलाते हो, यू नो, इट्स लाइक वी फील दैट देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट एंड सेक्रेट. आप मिशेलिन स्टार हैं, मास्टर शेफ कहलाते हैं. हिंदुस्तान में जो एक रसोई का या मतलब खाना बनाने वाले का एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता था, महाराज. मतलब वो एक ऐसी पदवी है आदमी की जिससे घर में या तो राजा होता है देश में या घर में जो खाना बना रहा है वो महाराज होता है, उसको इतना सम्मान दिया जाता है. हमारे यहाँ शुरू से जो भी पाक कला में निपुण व्यक्ति है सबसे ऊपर, हाँ, उसको सबसे ऊपर माना जाता है. मतलब ईश्वर हमारे यहाँ, मतलब अगर देखें हमारी जो परंपरा है, अगर कहीं अन्न जब पहली बार बच्चा ग्रहण करता है वो भी एक संस्कार माना जाता है, अन्न प्राशन संस्कार, मतलब बहुत बड़ा दिन है उसके लिए कि पहली बार अन्न खाने जा रहा है. अन्न को परोसने वाला चाहे शेफ कह लें या महाराज कह लें, उसका जो दर्जा है, वो जो सम्मान है, क्या उसका कॉमर्शियली होने के बाद में अभी तक कायम है कि लोग उतनी रिस्पेक्ट देते हैं अभी? डिपेंड करता है, कभी कभी आपको लगता है कि बहुत रिस्पेक्ट है, कभी कभी आपको लगता है अभी लोग अभी भी आपको वैसे ट्रीट करते हैं, अरे इधर ले क्या, ये क्या बनाया, इट हैपेंस, यू नो. तो क्या होता है कि अभी यू आर रनिंग बिजनेसेस व्हिच आर ऑन बिग स्केल, तो यू ऑलवेज हैव टू बी काम. आप जवाब नहीं दे सकते इन चीज़ों का. द गेस्ट इज राइट, यू फोकस ऑन दैट, इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट. घर में क्या है कि आप डरते हो बोलने की मम्मा को नमक कम है, राइट? क्योंकि मम्मा इज डूइंग इट सेल्फलेसली, वी आर डूइंग इट फॉर मनी, राइट? यू आर कमिंग टू द रेस्टोरेंट, यू आर पेइंग टॉप नॉच डॉलर मनी टू एंटर, टू मेक अ रिजर्वेशन, टू ट्रैवल, टू एवरीथिंग, टू कोऑर्डिनेट, टू ड्रेस अप, यू नो, सब कुछ होता है. सो पीपल एक्सपेक्ट, सो कभी कभी इट्स नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस और हम हारते हैं. खाने के अलावा आपका पैशन है सिनेमा, कि जो आपके जज्बात हैं उनको आप पर्दे पर खुद भी देखना चाहते हैं और करोड़ों लोगों को दिखाना भी चाहते हैं. आपकी कोशिशें भी रंग लाती रही हैं, ऑस्कर में आपकी फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई हैं.
वो जो था उसके लिए समय चाहिए, एक तो कुकिंग में बहुत सारा समय चाहिए, उससे मन हटा करके जब आप सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं उसके जरिए क्या कहना चाहते हैं आप? पंकज जी, मैं चाहता हूँ कि जो भगवान ने आवाज दी है उसकी कृपा है। मेरा फेवरेट भजन यही, काम तुम करते हो कन्हैया ना मेरा हो रहा, क्या राइट, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब वो अपने आप जोड़ी जा रहा है, चलते रह रहे हैं, राइट। बट आई फील कि मेरी जो भी मूवी बनती है उसमें एक आवाज है उस इंसान की जो आपको सुनाई ना देती अगर मैं ना बोलता, कहीं हाशिए पे रह जाती, एक ख्वाहिश आदि रह जाती, एक बहुत फर्क पड़ता। बट आई ऑल्सो फील दैट जैसे मेरी पहली फिल्म थी जो बड़ी, जो बहुत सक्सेसफुल हुई, वो थी बेयरफुट, सॉरी लास्ट कलम, नीना गुप्ता जी के साथ एक विडो की कहानी थी जो सिर्फ वृंदावन के, वृंदावन से आइडिया आया था, पर हमने वाराणसी में उसे किया था। वाराणसी में सिर्फ वेट कर रही है कि लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, अब फिर दोस्ती होती छोटी लड़की के साथ। आप मानेंगे नहीं कि पिक्चर आग थी, यूनाइटेड नेशंस में दिखाई गई स्टैंडिंग अप्लॉज, और फिर यूनाइटेड नेशंस में एक मैंडेट पास हुआ कि विडोज की डिस्कशन होनी चाहिए। 350 मिलियन विडोज हैं दुनिया में, यानी कि 35 करोड़ विडोज हैं जिनके पास इनहेरिटेंस राइट्स नहीं है। तो आई बिकेम द एम्बेसडर फॉर दैट, बिकॉज कभी किसी ने ओपनली इतनी बात नहीं की थी इस इशू के बारे में। और 14 जून को मुझे वॉशिंगटन DC में इन्वाइट किया गया कांग्रेस में टू स्पीक अबाउट दिस इशू। एंड जैसे मैं बोलता हूँ, आई डोंट वांट टू बी स्क्रिप्टेड, मतलब मेरे को, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, मैं क्यों चुप हूँ? याद नहीं रखना पड़ता आपको, सही बात बोले, आपको फिगर्स नहीं याद रखने पड़ता, कहाँ पे थे याद नहीं रखना पड़ता। तो वहाँ मैंने वॉशिंगटन DC में ऑल द कांग्रेस मैन आर देयर, एवरीबॉडी इज देयर, मैं जब इतनी बड़ी डिस्कशन होती है और इश्यूज के ऊपर, विडोज का इश्यू क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाता कि जब औरत का हस्बैंड मर गया, यू नो डिसीज्ड है, तो उसको घर से निकाल दिया गया, शी कैन नॉट फाइट इन द कोर्ट ऑफ लॉज इन मेनी कंट्रीज, शी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड शी कैन फाइट फॉर इनहेरिटेंस। दुकानें हैं, बिजनेस है, खाना है, घर है, बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें अप्रूव नहीं है, बिकॉज दे डोंट फिट इनटू द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो मुझे लगा कि सही मौका है बात करने का मुद्दा है। अभी जो हमारी दूसरी फिल्म है जो अभी आई है, वो तो मैंने यूट्यूब पे लगा दिया, बेयरफुट एम्प्रेस, यानी कि ऐसी महारानी बिना चप्पल के नंगे पैर, केरल की जो है कार्तियानी अम्मा, वो 100 साल की हैं। तो 96 ईयर ओल्ड थे और जब मैंने पहली बार उनको मिला और उन्होंने मेरा दिल जीत लिया, और पहली बार, जिनको नहीं पता फिल्म के बारे में, ये एक 96 ईयर ओल्ड औरत है जिनको कोई सदमा लगा लाइफ में लास्ट में, कि पूरी उम्र में लोगों की बात सुनती रही, खाना मांगती रही, सड़कें साफ करती रही, आज मेरे पास मौका है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। मतलब कितना बड़ा विषय उठाया है मैंने गर्ल एजुकेशन के ऊपर, एंड आई होप यू नो आई कंटिन्यू। हमारी दादियाँ सब, मोस्टली हम लोगों की जनरेशन की दादियाँ और नानियाँ सब कोई स्कूल नहीं गया था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी औरतों के लिए। आज वही औरत एक मुद्दा उठा रही है इतना बड़ा कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ क्लासरूम में बैठ के पढ़ने को तैयार हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। I love it. इस सवाल में पूछना चाहता था, आपने किताब भी हालांकि इस पे लिखी है, स्पाइसेस ऑफ इंडिया के ऊपर, जो मसाले हैं भारतवर्ष के, केरल से लेके कश्मीर तक, अगर वहाँ पे मतलब सैफरन है केरल में, वहाँ से इलायची आती है, काली मिर्च आती है, इतनी वैरायटी आपने कहीं दुनिया किसी दूसरे देश में देखी है मसालों की? सर इतनी दूर सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं चीज़ को, मेरी PhD कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। सॉइल स्ट्रक्चर पहली चीज़ है कि इंडिया का सॉइल स्ट्रक्चर जो है बार बार चेंज होता रहता है। अब देखिए, एक इतना बड़ा देश जिसके सर पे इतना बड़ा ताज है हिमालयस का, सो यू आपको कितनी विंड्स, कितना कुछ हिमालयस हमारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो गेटिंग हाई अल्टीट्यूड, सो आपको ठंडक भी है। अब यहाँ डेजर्ट है, आपको वेस्ट में सारा डेजर्ट है, राइट, नदियाँ इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ, लुक एट मी, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स कहते हुए। अब बारिशों का सीजन देखो यहाँ का, तो स्पाइसेस जो है ऐसे नहीं उग गए ओवरनाइट, billions of years की evolution, and that is why I feel के India is a blessed land जहाँ पे सिर्फ हमें वरदान मिला, और कोई देश में हो सकता है? काली मिर्च तक ही मिल सकती है, सिर्फ और कहाँ हो सकता है इतना मौसम का। एक आखिरी आपको एक मैसेज देना चाहेंगे अपने contestants को, या जो लोग देख रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, मेरठ, बरेली, कानपुर, या जो बनना चाहते हैं शेफ, बनना चाहते हैं मास्टर शेफ तो बाद में बनेंगे, पहले शेफ बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कैसे उनको क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा आपसे कि खाने का रिश्ता हमारा DNA में है, जब हम पैदा होते हैं तब से हमारी सेरेमनी शुरू होती है, जैसे आपने कहा खाने की, उनको लेके। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बनाते रहिए,
डरिए मत एक्सपेरिमेंटेशन से और डरिए मत फेल होने से। आप किचन एक ऐसी जगह जहाँ बहुत जल्दी सीखते हैं, आपको गलती नजर आती है, बस डॉक्यूमेंट कीजिए उसको। एंड आई डू फील कि आज सोशल मीडिया की बदौलत आप अपने खाने को, अपने खाने की पहचान को, अपने जुनून को आप आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज जी, ऑलवेज लव टू सी यू। थैंक यू।